व्हाट्स अप गाइस, मैं नूडी इंटेक। तो आज हम बात करने जाएंगे मीजू कैम 6S के बारे में, जिसके अंदर आपको मिल जाएगा 16 मेगापिक्सल का कैमरा f2.0 एपर्चर के लेंस के साथ। आपको 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाएगा, 16 मेगापिक्सल का जो कैमरा बैक कैमरा होगा 5.7 इंच की डिस्प्ले मिल जाएगी जो कि HD+ होगी, और 3000 mAh की बैटरी मिल जाएगी, और आपको यहाँ पे जो फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये स्मार्टफोन है एक अजीब फीचर के साथ आने वाला है, जो कि होगा उससे होम बटन के साथ। होम बटन में आपको ये कुछ उनके कहने से है कि वो उस होम बटन कहते हैं सुपर एम बैक होम बटन। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक्सिनोस का 7872 प्रोसेसर। तो यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएंगी 3GB रैम, 32GB और 64GB स्टोरेज के साथ, और 4GB रैम एंड 6GB रैम जो कि न्यू वर्जन है। 6GB रैम बहुत अच्छी बात है, ये दे रहे हैं 20,000 के अंडर। तो मैं आपको बता दूँ सैमसंग का एक स्मार्टफोन जिसके अंदर 7872 प्रोसेसर है, जो कि एक अच्छा प्रोसेसर है, फास्ट प्रोसेसर है, पर उसका प्राइस 25,000 से ऊपर है या 25,000 के बराबर है। तो आपको बता दूँ कि ये स्मार्टफोन जो है ये लॉन्च होएगा 16,000 और लगभग 18,000 के आसपास। तो यहाँ पे आपको बता दूँ ये बहुत ही बढ़िया डील है, ये कंपनी भी एक अच्छी कंपनी है, नोन कंपनी है, ये नहीं है कि नवी कंपनी है, और ये ज़्यादातर एक्सिनोस का प्रोसेसर ही देती है। तो आपको बता दूँ कि फ़ोन एक अच्छा स्मार्टफोन है, और यहाँ पर आपको एक फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा राइट साइड में आपको, जहाँ पे पावर का बटन मिलता है। यही थी इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस और कुछ खास फीचर सिर्फ इसका एक ही है जो कि इसका होम बटन, उसके साथ कुछ जेस्टर्स या कुछ नए फीचर्स आ सकते हैं। तो यही थी आज।